फलाहारी साबूदाने के अप्पम बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है चार पांच या छह ले सकती हैं आलू उबले के लिए। इनको मैंने छील कर मैश कर रखा है। ये मैंने साबूदाना लिया, इसको हम जब रात को भिगोते हैं या एक घंटा पहले भिगोते हैं तो केवल उसके लेवल तक ही पानी लेना चाहता नहीं, ताकि ऐसे सूखे रहे, इनमें पानी नहीं होना चाहिए। और उसके साथ मैंने लिया है नमक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अदरक, कटी हुई बारीक नींबू, काली मिर्च, मूंगफली, ऑयल या घी जो भी आप इच्छा ले सकते हैं, हरी कटी हुई मिर्च और हरा धनिया और ये पनीर। आपने सबसे पहले मूंगफली को भूनने था, भून गई है, मैं इनको निकाल करके मिक्सी में दरदरा पीस लेते हैं। मैंने छिलके उड़ा दिए। अब मैं ये सारा सामान इस बोल में डालती हूँ। सबसे पहले मैंने ये डाल दिया साबुदाना। साबुदाना चूंकि खुला खुला दरदरा सा है, दरदरे से मतलब पानी रहित है, तो इस समय इसमें नमक और सामान मिलाना सही रहेगा। इस समय मैंने नमक मिला दिया। लास्ट में मैं ये मैश किए हुए उबले आलू डाले, उसमें डाल दिया नमक जो कि मैंने सेंधा लिया है, क्योंकि फास्ट में सेंधा लेते हैं। और मैं काली मिर्च ले रही हूँ। आपका मन है, अगर आप फास्ट में लाल मिर्च खाते हैं तो आप लाल भी ले सकते हैं। जब लाल ले तो गुटी वाली ले, जो बिल्कुल खूबसूरत ले। इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी, बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया और थोड़ा सा जीरा डाल दिया, छोड़ने का कर सकता है। मसाले मिला के इसे मिला लिया। अब मैं मूंगफली भी मिला लेती हूँ और इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब इसी में मैं नींबू भी डाल लेती हूँ का रस। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। और अब मैं इसमें ये लास्ट में जो मैंने मिर्ची आलू की बनाई है इसको मिला। हाथ में ऑयल लगा करके इसको ले रही हूँ और इसके अंदर स्टफ करके थोड़ा सा पनीर। मीडियम पे टाइप कर मैं वो निकाल देती हूँ।
हम ऑयल और घी की डालिए और आप इनको थोड़ा हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बन चुके हैं। अब अपन के साथ की मैं चटनी बता रही हूँ, क्योंकि ये भी फलाहारी है। इसमें इसके लिए मैंने जो सामान लिया है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने हरा धनिया लिया है, ये मैंने दो हरी मिर्च ली हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सेंधा नमक है, ये जीरा है, ये अदरक है, ये थोड़ा सा नारियल पाउडर है। अगर आपको नारियल पाउडर नहीं चाहिए तो आप ना भी डालें, लेकिन डालेंगे तो कोई बुराई भी नहीं है। और ये काजू है 4-5, और ये है नींबू, और ये थोड़ा सा पानी, कई बार मिक्सी में ये नहीं चल पाता है। तो सबसे पहले मैं काजू डाल करके काजू को सूखा, क्योंकि मैंने ये भिगो के रखा था, इसका पेस्ट चुकी है, छोटे से काजू है तो इनको सूखा ही पहले मैं मिक्सी में चरण कर देती हूँ। और ये थोड़ा कम अमाउंट है इसलिए इसके साथ थोड़ा नारियल भी डाल दे रही हूँ, ताकि मशीन में चलने में आसानी हो। ये काजू का पाउडर बन गया है। अब मैं इसमें बाकी सब चीज़ मिला करके इसको चरण कर देती हूँ। मिर्ची सभी डाल दी मैंने, इसके साथ मैंने हरा धनिया भी डाल दिया। ये नमक भी डाल दिया। इसमें यदि खट्टापन आपको कम लगे तो आप और मिला सकते हैं, नमक कम लगे तो भी आप मिला सकते हैं, क्योंकि ये सब चटनी का तो टेस्ट अपने हिसाब से होता है, खट्टा या तीखा या कम तीखा। और इसको आप अपने साथ खाइए या किसी और चीज के भी साथ खा सकते हैं। ये तो फलाहारी है, क्योंकि इसमें हमने सेंधे नमक का इस्तेमाल किया है, काजू का इस्तेमाल किया है, और हमने इसमें नारियल का इस्तेमाल किया है। ये सभी फास्ट में आपको ताकत देते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तैयार है, और इसको नारियल की फलाहारी चटनी के साथ आप मंग सकते हैं। इसमें ऑयल या घी बहुत कम है,